हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम हिंदी उपन्यासों की चर्चा कर रहे हैं और दोस्तों ये हमारी इकाई 6 है। दोस्तों, हमने इस उपन्यास से पहले एक और उपन्यास को पूरा कर लिया है और वो है देवरानी जेठानी की कहानी। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास को कब और किसके द्वारा लिखा गया था। तो इसका सही जवाब है 25 नवंबर 1882 को लाला श्रीनिवास दास द्वारा। और दोस्तों, ये हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। अगला प्रश्न है, लाला श्रीनिवास दास का समय क्या था। तो दोस्तों, लाला श्रीनिवास का जन्म 1850 और मृत्यु 1907 को हुई थी। मथुरा इनका निवास स्थान था। अगला प्रश्न है, लाला श्रीनिवास दास मुख्य रूप से क्या थे। तो दोस्तों, लाला श्रीनिवास मुख्य रूप से नाटककार थे और इनका संबंध भारतेंदु युग से था। अगला प्रश्न है, लाला श्रीनिवास दास के प्रमुख नाटक हैं प्रह्लाद चरित, रणधीर और प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, संयुक्ता स्वयंवर इत्यादि। अगला प्रश्न है, लाला जी किन किन भाषाओं में सम्मान अधिकार रखते थे। लाला जी हिंदी भाषा के अंतर्गत उर्दू, संस्कृत और फारसी अंग्रेजी में भी अपना सम्मान अधिकार रखते थे। परीक्षा गुरु उपन्यास का कथानक, तो दोस्तों यहाँ पर हम संक्षिप्त रूप से परीक्षा गुरु उपन्यास का कथानक देखते हैं। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास की कहानी दिल्ली के ऐसे कारोबारी व साहूकार लाला मदन मोहन की है, जिसे अपने पिता की मेहनत व धीरज से बड़ी दौलत विरासत में मिलती है, लेकिन वह पश्चिमी आधुनिकता के प्रवाह में पड़कर लगातार अपव्यय के कारण कई तरह के संकटों में फंस जाता है। अंततः वह अपने बुद्धिमान एवं शिक्षित वकील मित्र लाला ब्रजकिशोर के प्रयासों से संकटों में उबरता है और चापलूसों और दुर्व्यसनों से भी तौबा कर लेता है। अगला प्रश्न है, उपन्यास के प्रमुख पात्र। तो दोस्तों, यहाँ पर हम उपन्यास के प्रमुख पात्रों को देखते हैं। पहला पात्र है लाला मदन मोहन। तो दोस्तों, लाला मदन मोहन दिल्ली का कारोबारी व साहूकार है। समस्त कथा इसी के चारों ओर घूमती रहती है। अगला प्रमुख पात्र है ब्रजकिशोर। ब्रजकिशोर मदन मोहन का सच्चा मित्र है। यह बुद्धिमान और सच्चा वकील है। उपन्यास के अंत में मदन मोहन को संकट से उबारने का काम ब्रजकिशोर ही करता है। हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रमुख पात्र है मास्टर शंभूदयाल। तो दोस्तों, मास्टर शंभूदयाल मदन मोहन को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए आता है। अगला पात्र है कामनी। तो दोस्तों, कामनी मदन मोहन की पत्नी है। प्रेमबदा ब्रजकिशोर की पत्नी है। मुंशी चुन्नीलाल, बाबूलाल, पुरुषोत्तम, हकीम अहमद हुसैन ये उपन्यास के अन्य पात्र हैं। अगला प्रश्न है, उपन्यास में मदन मोहन के कितने चाटुकार मित्र हैं। तो ये 5 हैं। पहला है मास्टर शंभूदयाल, दूसरा है मुंशी चुन्नीलाल, तीसरा है पुरुषोत्तम, चौथा है हकीम अहमद हुसैन और पांचवा है बाबू वैद्यनाथ। अगला प्रश्न है, मदन मोहन का सच्चा मित्र कौन है। तो दोस्तों, मदन मोहन का सच्चा मित्र लाला ब्रजकिशोर है और ये पेशी से वकील है। अगला प्रश्न है, उपन्यास को कितने प्रकरणों में बांटा गया है। तो दोस्तों, उपन्यास को 41 प्रकरणों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, उपन्यास का उद्देश्य क्या है। उपन्यास में मुख्य रूप से देश के प्रति चिंता व्यक्त की गई है। हमें अपनी पूंजी का संरक्षण करना चाहिए और उस पूंजी का संगठन तथा उपयोग अपने देश के हित में करना चाहिए। साथ ही स्वार्थी लोगों से दूर रहने के लिए इस उपन्यास में हमें कहा गया है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपन्यास को हिंदी का प्रथम मौलिक माना है। अर्थात, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। तो इसका सही जवाब है परीक्षा गुरु उपन्यास को। अगला प्रश्न है, उपन्यास में महाजनी संस्कृति का प्रतीक कौन है। दोस्तों, उपन्यास में लाला मदन मोहन महाजनी संस्कृति का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले पहल हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु ही निकला, ये कथन किसका है। तो दोस्तों, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है, अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगी, यह उपन्यास के लिए किसका कथन है।
तो दोस्तों यह लेखक श्रीनिवास दास जी का ही है। हमारा अगला प्रश्न है, तो दोस्तों यहाँ पर हम प्रमुख पंक्तियों को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इन्हें चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। हमारी पहली पंक्ति है, बलायत की सब उन्नति का मूल लॉर्ड बैकन की यह नीति है कि केवल विचार ही विचार में मकड़ी के जाले ना बनाओ, आप परीक्षा करके हर एक पदार्थ का स्वभाव जानो। ये कथन उपन्यास में किसका है? तो दोस्तों ये कथन मिस्टर ब्राइट का है। तो दोस्तों मिस्टर ब्राइट ये कथन उस समय कहता है जब लाला मदन मोहन उसके दुकान में ख़रीदारी करने के लिए आता है, और उस समय लाला मदन मोहन सोचते रहता है कि ख़रीदारी करनी चाहिए या नहीं, तो उस समय ये मिस्टर ब्राइट उसे कहता है। अगला प्रश्न है, परोपकार की इच्छा ही अत्यंत उपकारी है, परंतु हद से आगे बढ़ने पर वह भी फिजूल खर्ची समझी जाएगी और अपने कुटुंब परिवार आदि का सुख नष्ट हो जाएगा, ये कथन उपन्यास में किसका है? तो दोस्तों यह उपन्यास में लाला ब्रजकिशोर का कथन है जो कि बहुत ही समझदार है। यह मदन मोहन को व्यर्थ की फिजूल खर्ची करने के लिए इनकार करता है, परंतु उसके चाटुकार मित्र कहते हैं कि उसे जो भी मन में आए उसे खरीदना चाहिए। अगला पंक्ति है, हिंदुस्तान की भूमि में ईश्वर की कृपा से उन्नति करने के लिए सब समान भूतायत से मौजूद है, केवल नदियों की के पानी ही से बहुत तरह की कैलें चल सकती हैं, परंतु हाथ हिलाए बिना अपने आप ग्रास मुख में नहीं जाता, नई नई युक्तियों का उपयोग किए बिना काम नहीं चलता। प्रस्तुत कथन किस उपन्यास से लिया गया है और किसने कहा है? तो दोस्तों यह परीक्षा गुरु से लिया गया कथन है और लाला ब्रजकिशोर ने कहा है। अगला कथन है, देश की उन्नति अवनति का आधार वहाँ के निवासियों की प्रकृति पर है। सब देशों में सावधान और असावधान मनुष्य रहते हैं, परंतु जिस देश के बहुत मनुष्य सावधान और उद्योगी होते हैं उनकी उन्नति हो जाती है, ये कथन किसका है? ये लाला ब्रजकिशोर का है। तो दोस्तों ये कथन उस समय कहा जाता है जब लाला ब्रजकिशोर मदन मोहन की अवनीति को देखते हुए उसे समझाता है, परंतु वह नहीं समझता। अगला कथन है, मनुष्य जिस बात को मन में चाहता है उसका पूरा होना ही सुख का कारण है, और उसमें हर्ज पड़ने पर ही उसे दुख होता है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन उपन्यास में मास्टर शंभू दयाल का है। अगला कथन है, ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है पर स्वेच्छाचारी नहीं बनाया, प्रस्तुत कथन किसका है? तो ये कथन भी उपन्यास में लाला ब्रजकिशोर का ही है। अगला प्रश्न है, दंड का प्रयोजन किसी अपराधी से बदला लेने का नहीं बल्कि आगे के लिए और अपराधों से लोगों को बचाने का है, ये कथन किसका है? तो ये कथन मास्टर शंभू दयाल का है। अगला प्रश्न है, आदमी की पहचान जाहिर बातों से नहीं उसके बर्ताव से होती है, ये कथन किसका है? तो ये कथन लाला ब्रजकिशोर का है। अगला प्रमुख कथन है, मनुष्य के मन के विचार ना सुधरें तो उसके पढ़ने लिखने का क्या लाभ हुआ, ये कथन लाला ब्रजकिशोर का है। अगला प्रमुख कथन है, अफवाह व भयंकर वस्तु है जिससे बहुत से निर्दोष दूषित बन जाते हैं, तो ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन लाला ब्रजकिशोर का ही है। अगला प्रमुख कथन है, मनुष्य के चित्त से बढ़कर कोई वस्तु कोमल और कठोर नहीं होती, ये कथन किसका है? तो ये कथन भी लाला ब्रजकिशोर का ही है। तो दोस्तों यहाँ पर हम उपन्यास के प्रमुख पात्रों को समझते हैं। तो दोस्तों उपन्यास का प्रमुख पात्र लाला मदन मोहन है, जिसके समक्ष पूरा उपन्यास चक्कर लगाता है। तो दोस्तों यहाँ पर लाला मदन मोहन का वास्तविक और सच्चा मित्र ब्रजकिशोर होता है, और ब्रजकिशोर की पत्नी प्रेमबदा होती है, और लाला मदन मोहन की पत्नी कामनी है जो कि पूरे उपन्यास में उसका साथ देती रहती है और उसे समझाती है कि कृपया आप अपने चाटुकार मित्रों से छुटकारा पा लें, नहीं तो हमें बहुत ही संकट झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों उपन्यास के अंत में ये संकट इनके समक्ष आता भी है जब इन्हें अपने चाटुकार मित्रों के कारण जेल जाना पड़ता है, और जेल में जाकर सिर्फ इनका जो सच्चा मित्र है ब्रजकिशोर वही उनकी सहायता करता है और वो जेल से छूट जाते हैं। अगला प्रमुख पात्र है मास्टर शंभू दयाल, और दोस्तों मास्टर शंभू दयाल लाला मदन मोहन को अंग्रेज़ी पढ़ाने के लिए आता है।
अगला प्रमुख पात्र है मुंशी चुन्नी लाल। और दोस्तों ये चुन्नी लाल लाला मदन मोहन का नौकर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे उपन्यास का समापन हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।